वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय रहीमा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ रहीमा और हमारी आज की कहानी का नाम है बच्चे और दरख्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। खालिद और साजिद आपस में दोनों कजन थे। खालिद को उछलने कूदने का, खेलने का, दौड़ने का बहुत शौक था और खालिद 9 साल का था और खालिद का कजन साजिद 10 साल का। घर के सामने ही पार्क में खेलते खेलते खालिद दरख्त पर चढ़ गया। खालिद को दरख्त पर चढ़ते हुए बहुत मजा आया। खालिद को देखते देखते साजिद भी दरख्त पर चढ़ गया और दोनों खेलते खेलते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए उन्हें अंदाजा तक ना हुआ कि वो गिर भी सकते हैं। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और दरख्त हवा की वजह से जोर जोर से हिलने लगा। जब खालिद और साजिद के वालदैन ने ये मंजर देखा तो वो बहुत डर गए। खालिद के वालदैन ने खालिद को आवाज लगाई, खालिद दरख्त को जोर से पकड़ के रखो। जबकि साजिद के वालदैन ने साजिद को आवाज लगाई, गिरना नहीं, गिरना नहीं। साजिद ने बहुत कोशिश की मगर साजिद गिर गया दरख्त से। जैसे तैसे साजिद के वालदैन ने साजिद को बचा लिया और साजिद ज्यादा जख्मी भी ना हुआ। जबकि खालिद ने दरख्त को जोर से पकड़ के रखा और हवाएं बंद होने पर खालिद के वालदैन ने खालिद की मदद करते हुए खालिद को दरख्त से नीचे उतार लिया। साजिद के वालदैन ये देखकर बहुत हैरान हुए। साजिद के वालदैन ने खालिद के वालदैन से कहा, मेरा बेटा और आपका बेटा दोनों एक ही दरख्त पर थे लेकिन फिर भी मेरा बड़ा बेटा गिर गया और आपके छोटे बेटे ने दरख्त को मजबूती से पकड़ के रखा। मैं बहुत हैरान हूँ। खालिद के वालदैन ने जवाब दिया, हमने खालिद को कहा कि मजबूती से पकड़ के रखो जबकि आपने साजिद को कहा कि गिरना नहीं। साजिद के दिमाग में गिरने का खौफ था जबकि खालिद के दिमाग में यही था कि उसको दरख्त को मजबूती से पकड़ के रखना है। तो खालिद ने मजबूती से ही पकड़ के रखा जबकि साजिद गिर गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, अच्छे और मस्बत ख्यालात और अल्फाज, हमारे तजुर्बों पर और हमारे साथ क्या होने वाला है इस पर अच्छा असर डाल सकते हैं। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।